हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी कुछ खास जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच यात्रा से लेकर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए अनिवार्य हो सकता है। दोस्तों, रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि यात्रा के दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण न फैले। हालांकि रेल मंत्रालय ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर विचार कर रही है, लेकिन साथ ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति के स्वस्थ होने की गारंटी लेना मुश्किल है। और दोस्तों, यही समस्या एयरपोर्ट में भी है। एयरपोर्ट और एयरलाइंस इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे हर यात्री के कोरोना वायरस मुक्त होने की सुनिश्चित किया जाए। और दोस्तों, रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में रखना अनिवार्य किया जा सकता है। और दोस्तों, एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा में लगे CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट में एंट्री के लिए नए सुरक्षा नियम तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में CISF ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। साथ ही देश में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा CISF पुलिस के पास है। और दोस्तों, CISF आरोग्य सेतु ऐप को एयरपोर्ट्स में एंट्री के लिए अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। और दोस्तों, उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के तहत लॉकडाउन चल रहा है। इसके बावजूद कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन खोलने का दबाव भी है। ऐसे में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास कर रही है। यात्रा के दौरान संक्रमण को फैलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और दोस्तों, यही कारण है कि सरकार सुरक्षा इंतजामों पर मंथन कर रही है। और दोस्तों, यही अच्छा रहेगा कि अगर आप यात्रा करने वाले हैं फ्लाइट या ट्रेन से, तो आप आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। और दोस्तों, सरकार हमारी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रही है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर ऐसी जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर बताना। जय हिंद।